उसमें 8 लोकसभाएं हैं, जिसमें आगरा जिले की जो दूसरी लोकसभा है, जो जनरल सीट है फतेहपुर सीकरी के नाम से जानी जाती है, वो अति महत्वपूर्ण लोकसभा है, जिसमें जो 3 पार्टियां, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी, जिसने 2009 में अपने कैंडिडेट को उधर से जिताया था, श्रीमती सीमा उपाध्याय 2009 में जीती थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर के चलते वहाँ से वो लूज कर गई और उसकी जगह वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री बाबूलाल जी जीते। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को टिकट नहीं दिया, वो जाट समाज से आते हैं, लेकिन उसकी जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं श्री राजकुमार चाहर, ये भी जाट समाज के ही हैं, इनको टिकट दिया है और उनका जो वोट है जाट समाज का इस क्षेत्र में करीब 2 लाख के करीब है, तो वो इस बार नाराज नजर आ रहे हैं। जो बाबूलाल हैं, जो सिटिंग एमपी थे, वो इस बार नाराज हैं और इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में लोकदल का समझौता भी हुआ है, इसलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि जो जाट वोट में डिवीजन होगा, तो 2 लाख वोट में से मुझे लग रहा है लगभग 1 लाख वोट तो उनके खाते में जा सकता है और 1 लाख वोट जो है गठबंधन के खाते में भी जा सकता है, अगर यहाँ पर लोकदल का प्रचार प्रभावी हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज बब्बर जी, वो यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से पहले वो चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं, तो इस बार जो कांग्रेस का भविष्य भी, कांग्रेस के अध्यक्ष का भविष्य भी इस फतेहपुर सीकरी में जुड़ा हुआ है और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ अभी इलेक्शन शुरू होने से पहले बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो पहले के पूर्व विधायक थे वो पार्टी छोड़ करके उसमें कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ये उनके साथ में थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है राज बब्बर जी के में। लेकिन जो यहाँ पर जो कैंडिडेट लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी के, ये बहुजन समाज पार्टी के खाते में सीट आई है गठबंधन में, तो वो श्री राजवीर जी चुनाव लड़ रहे थे पहले, जो ठाकुर समाज से संबंध रखते हैं, तो उनको बाहरी होने के नाते और उनका कम असर होने के नाते उनको किसी वजह से वहाँ से हटा दिया गया और उसकी जगह पे जो गुड्डू पंडित के नाम से जो मशहूर हैं, जो सपा से और बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं डेवाई से, काफ़ी प्रभावशाली आदमी हैं और जिनका नाम जो है, जो असली नाम है वो भगवान शर्मा है, तो भगवान शर्मा पीछे से तो नोएडा के रहने वाले हैं, गिजौड़ गांव के, लेकिन वो डिवाई से इलेक्शन लड़े थे, डिवाई से मतलब जो जीते भी थे, बाद में भाजपा में चले गए थे और भाजपा में जाने के बाद अब फिर से जो है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी है और बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने, आपको पता होगा कि सीमा उपाध्याय हाथरस की थी और उन्होंने वहाँ से ब्राह्मण होने के नाते बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल की थी, तो अगर ब्राह्मण का जो वोट है उधर वो करीब 3 लाख के करीब वोट है, तो 3 लाख का वोट ब्राह्मण का और जो जो एससी मतदाता है वो अगर उसमें जुड़ता है तो ब्राह्मण जो है काफ़ी प्रभावशाली उधर हो जाते हैं
और दूसरा जो मतदाता है उधर 3 लाख के करीब ठाकुर मतदाता भी हैं। तो ठाकुर और ब्राह्मण वहाँ पे काफ़ी बड़ा फैसला करते हैं फतेहपुर सीकरी पे। तो यदि भगवान शर्मा, ये जो ब्राह्मणों का वोट है जो सीमा उपाध्याय ने लिया था, उस वोट को लेने में अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो जो बीएसपी का जो बेस वोट है वो तो उनको मिलेगा ही। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो ओबीसी का जो कुशवाहा समाज है उसका भी यहाँ पे 1.5 लाख के करीब वोट है। तो अगर जाट वोट अगर थोड़ा सा मिल जाता है, कुशवाहा में से वोट मिल जाता है, वैसे तो कुशवाहा समाज के जो नेता थे बसपा के, उन्होंने अभी छोड़ दिया था बसपा बीच में, तो उसका थोड़ा सा सेटबैक भी लगा था। और यहाँ पे करीब 70 लाख मतदाता हैं, तो 70 लाख मतदाता हैं, और लेकिन 4-5 विधानसभाएं यहाँ पर हैं, जिसमें आपका आगरा का ग्रामीण इलाका है और फतेहाबाद एक विधानसभा पड़ती है, खैरागढ़ विधानसभा पड़ती है, और एक बाहा पड़ती है, और एक जो है फतेहपुर सीकरी पड़ती है। इस तरह से 5 विधानसभाओं में ये जो क्षेत्र है वो बटा हुआ है, काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है। और यहाँ पर जो है चूँकि अगर इन्होंने बेस वोट को बटोर लिया, जय भगवान ने, ब्राह्मणों ने अगर इनको वोट दिया होगा, चूँकि वोट पड़ गया है यहाँ पर और दिया होगा, और इन्होंने अपना जो जो अपर कास्ट के जो वोटर हैं उसमें से जो ठाकुर भी हैं उनमें से भी कुछ से इन्होंने सेंध लगा ली होगी, तो ये चूँकि राज बब्बर जी का कोई बेस वोट नहीं है उधर, उनका फ्लोटिंग वोट है इधर उधर से कांग्रेस का, और ये कांग्रेस का ज़्यादा आधार भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो जो भाजपा को हराने वाला जो मतदाता है वो अगर 2 जगह बट गया, कांग्रेस में और बसपा में, तो ये सीट जो है भाजपा को ज़्यादा फायदा दे सकती है। और अगर मतलब ये वोट नहीं बटा, भाजपा को हराने वाला वोट, और ये इनको जय भगवान को मिल गया, तो ये गुड्डू पंडित यहाँ से जीत सकते हैं, अदरवाइज ये जो है भाजपा के लिए काफ़ी मजबूत सीट है और ये उस पर भाजपा अच्छा कर सकती है। तो ये इसके कंडीशनल है, और कंडीशनल ये है कि अगर ब्राह्मण का और उसमें से अपर कास्ट का वोट इन्होंने ले लिया तो फिर ये गुड्डू पंडित 2009 का जो जीत है उनकी सीमा उपाध्याय की उसको दोहरा सकते हैं, और फिर वाकई ये इनकी एक अच्छे कैंडिडेट में इनकी शुमार जय भगवान शर्मा की हो सकती है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।